दोस्तों, क्या आप जानते कि आखिर सूर्य फूल या सूरजमुखी का फूल सूर्य की दिशा की ओर ही मुंह किए क्यों रहता है? अगर नहीं जानते तो आइए आज हम आपको इसके पीछे की साइंटिफिक वजह बताते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आकाश, कुछ ऐसी ही अनसुनी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने अब तक कई तरह के फूल देखे होंगे, साथ ही उनकी खासियत के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे फूल के बारे में सुना है जो रोजाना एक ही दिशा से दूसरी दिशा की ओर घूमते रहता है? अगर नहीं तो बता दे, हम बात कर रहे हैं सूर्य फूल यानी सूरजमुखी के फूल के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आखिर सूर्य फूल यानी सूरजमुखी के फूल सूर्य की दिशा की ओर ही मुंह किए क्यों रहते हैं? ऐसी क्या वजह है कि जिस दिशा में सूरज जाता है सूरजमुखी का फूल उसी दिशा की ओर गति करते हैं? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इसी रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सूरजमुखी या सूर्य फूल का फूल ठंड के मुकाबले गर्मियों में ज्यादा सक्रिय रहता है। इन फूलों का विकास उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहाँ धूप 6 घंटों से ज्यादा के लिए निकलती है। बता दें कि ज्यादा गर्म और तपा देने वाली गर्मी में ही सूरजमुखी के फूल काफी तेजी से विकसित होते हैं। जब सुबह से समय सूर्य पूर्व दिशा से उगता है तो इस फूल के मुंह की दिशा भी पूर्व की ओर ही रहती है। वही धीरे धीरे सूर्य की दिशा के साथ साथ इनकी भी दिशा बदलती रहती है। सूरजमुखी के नए फूल पुराने फूलों के मुकाबले सूर्य की दिशा में ज्यादा मुंह करते हैं। दरअसल ऐसा होने के पीछे सबसे अहम वजह हेलियोट्रॉपिज्म वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा हेलियोट्रॉपिज्म के कारण ऐसा ही होता है, और इसी प्रक्रिया के तहत सूरजमुखी के फूल सूर्य की दिशा में मुंह किए होते हैं। बता दें कि सूर्य की दिशा के साथ साथ शाम के वक्त इन फूलों की दिशा पश्चिम की ओर हो जाती है, हालांकि रात के समय ये अपनी दिशा फिर से बदलकर पूर्व की तरफ ले जाते हैं और अगले दिन सूर्य के उगने का इंतजार करते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हेलियोट्रॉपिज्म क्या होता है जिसके चलते सूरजमुखी के फूल सूर्य की दिशा की तरफ ही गति करते हैं। बता दें कि जिस तरह इंसानों के भीतर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, ठीक उसी तरह सूरजमुखी या सूर्य फूल के फूलों में भी एक खास तरह की व्यवस्था होती है जिसे हेलियोट्रॉपिज्म के नाम से जाना जाता है। सूर्य की किरणों को डिटेक्ट करने वाले फूल को उस तरफ मोड़ने के लिए प्रेरित करती है जिस तरह सूर्य होता है। एक रिसर्च में एक बात पता चली है कि ये फूल रात में समय आराम करते हैं और दिन की समय रोशनी पाते ही एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी जैसे जैसे तेज होती है ठीक उसी तरह सूरजमुखी के फूलों की सक्रियता भी बढ़ती चली जाती है। ये सारी प्रक्रिया हेलियोट्रॉपिज्म के कारण ही मुमकिन हो पाती है। इसके चलते सूरजमुखी या सूर्य फूल के फूल का मुंह हमेशा सूर्य की दिशा में रहता है। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक करो और शेयर करो।